हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी लाइट धीरू। दोस्तों आप कहते थे बार बार कमेंट्स के, धीरू भाई आप अपना हमको सेटअप दिखाओ जहां पर आप अपनी वीडियो को शूट करते हैं बहुत पहले से। तो गाइस आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको अपना सेटअप जहां पर मैं अपनी वीडियो को शूट करता था कम से कम आज से 2 साल पहले से। और दोस्तों मैं अपनी वीडियो को एक मंदिर के अंदर शूट करता हूँ। तो गाइस जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बिना समय के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार गाइस मैं आ चुका हूँ घर से बाहर। ये है रास्ता मंदिर जाने के लिए, ये है मेरे गाँव की एक रास्ता। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि मेरे गाँव में आपको और क्या क्या देखने के लिए मिलता है इस समय। दोस्तों आप सामने देखिए, सामने लगा हुआ है काम घरों में। और गाइस जो यहाँ की हरियाली होती है गांव की वो सबसे अलग होती है देखने के लायक। यदि यहाँ पे कोई शहर से है मेरे गांव आते हैं आप, तो आपको यहाँ पर कुछ अलग सा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गाइस जो यहाँ की हरियाली है आप लोग खुद भी अपनी आंखों से अभी यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बेहतरीन आपको यहाँ पर हरियाली देखने को लग रही है। तो यार गाइस यही है वो कच्चा रास्ता जहाँ से मैं जाता हूँ डेली मंदिर को वीडियो बनाने के लिए। अब दोस्तों जो मंदिर है वो मेरे घर से कम है 0.5 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर के समथिंग जो मंदिर है वो पड़ता है मेरे घर से। तो यही है वो जाता हूँ मैं डेली यहीं से इसी रास्ते से डेली मंदिर को वीडियो को शूट करने के लिए। और गाइस जो हमारे गांव की ब्यूटी है वो बेहतरीन है, आप लोगों ने ऐसी ब्यूटी कभी भी नहीं देखी जो कि शहरों में, जहाँ पर मतलब कि हर चीज़ होती है नेचुरल। यदि आप तो चाहते हैं कि मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर दूँ अपने गाँव की, तो आप लोग नीचे कमेंट करना कि भाई अपने गाँव की एक अलग से वीडियो बनाकर दो हमें ब्लॉग जैसे। और गाइस यहाँ सामने थोड़ी सी गंदगी है तो प्लीज़ उसको इग्नोर आप कर देना। ये देखिए यार गाइस गांव में सभी जगह पर पक्की सड़क नहीं होती है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर गंदगी देखने को मिल जाती है गाइस, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं कि जितनी लोग शहर में होती है। शहर में तो गंदगी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन गाँव में गाइस कहीं कहीं पर गंदगी जो है कि होती है गाइस। इसके बगल में है यहाँ पर नदी, आप लोग देख सकते हैं इसके बगल में यहाँ पर नदी भी है इस रास्ते के बगल में, जो कि मैं आपको इस वीडियो के आगे दिखाने वाला हूँ आगे चल के मंदिर के पास में। और गाइस इस कच्ची रास्ते के बगल में है खेत जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं। और गाइस जो हमारा मंदिर है वो थोड़ी दूर और है यहाँ से, बस हम आने ही वाले हैं अपने मंदिर के पास में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसके बगल में जो खेत है ना, हम लोग यहीं पर खेती करते हैं, अपनी खेती का काम करते हैं। बस गाइस 1 मिनट और इसके बाद हम अपने मंदिर में पहुंच जाएंगे जहां पर मैं अपनी वीडियो को डेली शूट करता हूं आज से कम 1 से 1.5 साल पहले से। ये देखिए सामने है बरगद का पेड़, आप लोग खुद भी देख सकते हैं हमारे गांव का बहुत ही बड़ा बनियान ट्री बोलते हैं बरगद का पेड़। तो गाइस जो मंदिर है वो बस साइड में है इसी बरगद के पेड़ के, बस वो आने ही वाला है, आप लोग थोड़ी सा वेट ओवर कर लीजिए। और गाइस ये सड़क गई है पक्की सड़क एक गांव के लिए, जो कि गांव का नाम है चाका। तो गाइस ये सड़क गई है हमारे मंदिर के लिए, ये देखिए वो मंदिर जो हमारा है यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया है, आप लोग खुद भी अभी यहाँ से ये देखिए देख भी सकते हैं। तो गाइस चलते हैं बस मंदिर के अंदर यहाँ से। तो यार गाइस वो मंदिर आ चुका है जहाँ पर मैं अपनी वीडियो को डेली शूट करता हूँ, आप लोग खुद भी सामने इस मंदिर को यहाँ से देख सकते हैं। अब गाइस मंदिर के अंदर जाने से पहले मैं आपको इसके बगल की नदी के बारे में दिखाता हूँ कि नदी है वो कैसी लगती है आपको दिखने में मेरे गांव की नदी। तो चलते हैं नदी के पास में। तो गाइस ये रही हमारी नदी, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, और हम लोग यहीं पर कभी कभी नहाने के लिए आते भी हैं। भाई जो नज़ारा यहाँ का जो व्यू है ना वो बेहतरीन व्यू है, आप लोग को शहर में ऐसा व्यू देखने को कभी भी नहीं मिल सकता है, जो कि गांव में मुझे देखने के लिए डेली मिलता है। तो यार गाइस चलते हैं अब मंदिर के अंदर, दिखाते हैं कि मैं अपनी वीडियो को कहाँ पर शूट करता हूँ डेली। तो यार गाइस चलते हैं मंदिर के अंदर, आप दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर का कुछ सीन, चलते हैं मंदिर के अंदर।
भाई ये रहा वो मंदिर, भाई ये देखिए। और गाइस यहाँ पर कुछ अभी काम चल रहा है मंदिर के अंदर, तो यहाँ पर कुछ अभी साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है मंदिर के अंदर, आप लोग खुद भी यहाँ पर अभी देख सकते हैं। तो यार गाइस ये है कुछ सीन मंदिर के अंदर का, आप लोग खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस ये देखिए यहाँ पर अभी काम चल रहा है, तो थोड़ी यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल भी अभी नहीं है। और गाइस फाइनली हमारा सेटअप है ये साइड, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ये देखिए गाइस ये है मेरा सेटअप, मैंने अपनी वीडियो को यहीं पर कम से कम आज से 2 साल पहले से मैं वीडियो को इसी बैकग्राउंड में शूट कर रहा हूं, आप लोग खुद भी यहां पर देख सकते हैं। गाइस ये रहा मेरा ट्राईपोड और ये मेरा ओल्ड ट्राईपोड है, इसके पहले मैंने अभी एक और ट्राईपोड न्यू बाय कर लिया है। तो गाइस ये रहा वो सेटअप, आप लोग खुद भी यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो गाइस ये रहा वो सेटअप, आप लोग खुद देखिए। ये देखिए गाइस मैं इस तरह यहाँ पर बैठ के अपनी वीडियो को डेली शूट करता हूँ डेली। और गाइस आज मुझे कम से कम 1.5 साल हो गया है, मैं 1.5 साल से अपनी वीडियो को यहीं पर शूट कर रहा हूँ, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, तो यार गाइस यही है वो सेटअप जहाँ पर मैं अपनी वीडियो को डेली बनाता हूँ आज 2 साल पहले से। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ही पूरा देखना, क्योंकि जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है। दोस्तों आज 1.5 साल से मैंने YouTube की वीडियो को बनाने में बिल्कुल भी गैप नहीं मारा है। दोस्तों कितनी भी गर्मी हो कितनी भी बरसात हो, मैं हमेशा यहाँ पर वीडियो को एक शूट करने के लिए आता ही आता था डेली इस मंदिर के अंदर। अब गाइस जो मेरा घर है उस पर उसके अंदर जो है मेरा सेटअप बिल्कुल भी नहीं है, मेरा जो रूम है वो एक अलग से गाइस बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस मैं यहाँ पर ही मंदिर के अंदर ही अपनी वीडियोज़ को डेली शूट करने के लिए आता था आज 1 से 1.5 साल पहले से। और दोस्तों भी आपको मेरा घर देखना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि भाई मुझे आपका घर देखना है, तो भाई मैं इसके बारे में एक अलग सी वीडियो को पूरा का पूरा बना दूंगा। अब दोस्तों भले ही मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, भले ही मेरे पास अलग से एक रूम नहीं था, लेकिन जो मेरी वीडियो है वो डेली यूट्यूब पर एक आती ही आती थी। यार गाइस जो मेरी लगन थी यूट्यूब पर वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुँच चुकी थी। मैं कभी भी यूट्यूब से गिव अप मतलब हार कभी भी यूट्यूब से नहीं मानना चाहता था, मैं लगातार यूट्यूब पर काम करना चाहता था गाइस, और मैं आज कर रहा हूँ, करते चला जाऊँगा। तो आप में से बहुत से लोग लकी हैं, यानी कि भाग्यशाली हैं, उनके पास हर चीज़ है, उनके पास एक अलग सा रूम है, उनके पास पूरा का पूरा गाइस एक सेटअप है गाइस, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं यूट्यूब की वीडियो को डेली शूट करता ही करता हूँ भले भी कुछ भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों मैंने एक बात सुनी है कि यदि आप गरीब घर में पैदा होते हैं तो वो आपकी बिल्कुल भी गलती कभी भी नहीं होती, यदि आप लोग गरीब घर में मर जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप दोस्तों ज़िंदगी में ऐसा काम कर सकते हैं कि आप लोग बहुत बड़े आदमी आराम से गाइस बन सकते हैं, इसलिए गाइस मैं यूट्यूब पर कभी भी गिव अप नहीं करता हूं, मैं हमेशा यूट्यूब पर लगातार काम करते ही रहता हूं। दोस्तों यदि आप लोग मेरे घर पर आकर एक बार मुझे देख लें कि भाई तुम करते क्या क्या हो, तो गाइस आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो सकते हैं गाइस, क्योंकि मैं यूट्यूब का काम करता हूँ और गाइस खेती का काम भी करता हूँ गाइस। कुछ भी हो जाए मुझे एक वीडियो यूट्यूब पर डालनी है तो डालूंगा डेली यहाँ पर आगे। और गाइस मैं कभी कभी अपने छत पर भी मतलब कि वीडियो को आराम से शूट कर लेता हूँ यूट्यूब की वीडियो को। अब दोस्तों जो मंदिर है ये हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ पर लोग हर मंगलवार को व शनिवार को लोग गाइस पूजा करने के लिए आते हैं। तो गाइस मुझे कभी कभी यहाँ पर 1-2 घंटे तक वेट करना पड़ता है कि कभी ये लोग यहाँ से जाएंगे, उसके बाद मैं वीडियो को शूट कर पाऊँगा। तो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा यार मेहनत की है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, सच में गाइस मैं खुद भी अपने मुँह से बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। दोस्तों भले ही यहाँ पर लोग आते थे मतलब कि पूजा करने के लिए भगवान की, लेकिन गाइस जो मेरी वीडियो थी वो डेली यहाँ पर एक शूट होती ही होती थी, भले ही लोग यहाँ पर आएँ कितना भी शोर करें, लेकिन जो मेरी वीडियो है वो 100% गाइस बनती ही बनती थी। अब गाइस होता क्या था, गर्मियों में आप लोग बोलते थे भाई आप यहाँ का पंखा चालू कर लो अपने रूम का, तो भैया मैं था मंदिर के अंदर तो कहाँ से पंखा को चालू कर लूँ भाई, ये जो मेरे कपड़े हैं ये पूरे के पूरे गीले होते थे किस चीज़ में, पसीने में। यहाँ पर गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी थी गर्मियों के दिन पर कि मैं आपसे क्या बताऊँ। गाइस कितनी भी गर्मी रही आए मुझे एक वीडियो यहाँ पर शूट करनी है तो करूँगा ही करूँगा। और गाइस मैं अपनी वीडियो को दोपहर में 3 बजे शूट करता था डेली, कभी भी मतलब कि कितनी भी गर्मी हो कुछ भी हो, भले ही मेरी शर्ट है वो पसीने पूरी गीली भी हो जाए, गाइस मैं अपनी वीडियो को डेली एक शूट करता ही करता था यहाँ मंदिर के अंदर आकर। अरे भाई लोग मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग YouTube पर आए हैं या आप YouTube पर कुछ आगे चलकर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ YouTube पर गिव अप कभी मत कर देना, आप YouTube पर लगातार काम करते ही रहना। यदि आप एक बार YouTube से हार मान गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों मेरे सामने कई बार ऐसे रास्ते आए हैं कि भाई मैं YouTube को छोड़ क्यों नहीं दूँ, YouTube मुझे क्या दे रहा है, लेकिन भाई मैंने कभी भी YouTube को नहीं छोड़ा कि YouTube मुझे कुछ आगे चल के देगा या फिर नहीं देगा। तो यार भाई लोग यदि आपको मेरा घर देखना है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, मैं आपको अपने घर की एक अलग सी वीडियो बनाकर दूंगा अपने इस चैनल पर, तो आप लोग नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना यदि आपको मेरा घर देखना है तो। तो यार गाइस मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी वीडियो को शूट करने के लिए, और बहुत जल्दी जल्दी
मैं अपनी वीडियो को शूट यहाँ पर करता हूँ। बस कभी भी यहाँ पर मैंने आराम से वीडियो को शूट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए भगवान की, तो भाई जल्दी से यहाँ पर खाली करना पड़ता है मुझे मंदिर। तो यार भाई लोग, मेरी तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पर लगातार काम करो, यदि आपके पास सेटअप अच्छा है तो। अब दोस्तों जब मेरे पास सेटअप भी नहीं है तब भी मैं यूट्यूब पर काम कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं जब आपके पास सेटअप है भी तो। थोड़ी सी साइड में दिखाता हूँ आपको भगवान की मूर्ति, ये देखिए। तो गाइस जिसके अंदर है हमारे भगवान की मूर्ति, आप लोग यहाँ से जाके खुद भी देख सकते हैं, ये देखिए। तो गाइस वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।